मेरी निकम्मी औलाद जरा। जी अब्बा, खबरदार आज के बाद तूने अगर मुझे गरीब बुलाया तो। वैसे तो अब हमारी 25 एकड़ जमीन है। आ मैं आप इकलौती इलाज हूँ, एक माह फिर भी आप मुझे एक माह बाद 10 रुपए दे दे, इसलिए मैं आपको गरीब बुलाता हूँ। जी शर्म नहीं आती। बैठो यहाँ, बैठो यहाँ, बैठो। जी अब्बा, यही तेरी बात मुझे सीधा सीने पर ठाक कर देती है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। अब ये जो मेरी 25 एकड़ जमीन है प्रीव्यू। और मैं अपनी तमाम जायदाद और तुम्हें मद्देनजर रखते हुए अब मैंने एक बहुत ही अच्छा और कीमती फैसला लिया है। बताओ कैसा फैसला लिया? अब मैं जो तुम्हें महीने रुको, जरा सबर करो। 10 रुपए देता था, वो मैं आपको एक हफ्ता बाद 10 रुपए दे दूंगा। अब्बा जी, वो जो खाली चाचा है ना, उसको 6 एकड़ जमीन है। उसने पिछले हफ्ते अपने बेटे को आईफोन लेकर दिया। मुझे भी आईफोन लेकर दे। शक्ल है तेरी आईफोन वाली, आईफोन की औलाद। अब्बा अगर मैं आईफोन की औलाद हुआ तो फिर मैं तो आईफोन पर मैच हुआ। किसने कहा? आपने कहा। मैंने बस जो फैसला सुनाना था सुना दिया है, अब तुम जाओ। चलो जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अब आज मैं मजदूरी पर गया था, कुछ पैसे कमा लाया हूँ। मैंने सोचा है कि मैं आप पहले दिन की मजदूरी आप पर खर्च करता हूँ। मुझे तो फिर क्यों दूँ? शक्ल देखिए अपनी, क्या है मेरी शक्ल? वो अच्छी वाली शक्ल है। ऐसे मैं आप ऐसे पैसे नहीं दूंगा, आप बहुत कमजोर हो। बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहे साथ। कमजोर हो गए हो? नहीं, मैं अच्छा बल्कि खासी तबीयत में ठीक हूँ। हड्डियाँ देख, सामने नजर आ रही हैं आपकी। जाकर टाटा दिए बड़ी समझा कर देता हूँ। चलो आ जाओ। चलो चलो। हाय हाय, इतना सुकून। यही बंदा है? जी ठाकुर साहब, यही बंदा है ये। चलो बंदा। चलो। ये क्या डॉक्टर साहब, बोतल तो हाथ पे लगती है या बाजू पे? ये क्या आपने यहाँ पे पट्टी मेरे पेट में क्यों बांधी है? ये बोतल नहीं है। तो फिर क्या है? तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा गुर्दा बेच दिया है 2.5 लाख में, और वो आईफोन लेने गया है। तो दुआ मांगी थी कि मेरा बेटा अच्छा और ठीक। अगर दोबारा ऐसी दुआ मांगी तो मैं तुम्हारा थप्पड़ से मुंह चोरी के पीछे का फेर दूंगा।